फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी अच्छी सक्सेस पाई है पहले ही अटेम्प्ट में, और इतना अच्छा स्कोर है आपका, 222 स्कोर है ना शायद? 224। अच्छा, 224 स्कोर है आपका, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जारिफ निकल गया, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। नाउ आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू कि कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैम थैंक यू मैम फॉर योर विशेस। एंड हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक मैंने जेआरएफ का तो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक जब मैं अपने गोल सेट कर रही थी तो मुझे लगा था कि लाइक जेआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी लाइक थोड़ा सा ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। तो मैंने जेआरएफ का गोल इवेंचुअली था, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सोचा नहीं था, बट हो गया तो काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, बट आपने नहीं सोचा था, बट मेरा था कि आपका हो जाएगा, और योगेश के लिए भी आई वॉज वेरी श्योर कि हो जाएगा। एक दो लोगों का और था कि वो उनका जेआरएफ होगा, लेकिन नहीं हुआ उनका जेआरएफ ड्यू टू सम रीजन, बट नेट उन्होंने निकाल लिया और उनका भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट था उसमें। ठीक है, तो आप बताइए, आप अभी जो है आपका आगे का क्या प्लान है, और अपना जो अभी सक्सेस स्टोरी है वो बताइएगा, योर स्ट्रगल ड्यूरिंग दी फेज। आप क्योंकि डिस्कस करती थी बीच बीच में टाइम को लेकर, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, तो स्टार्ट विद योर प्लानिंग कि अभी करना क्या है। फिर आपने जब जारिफ निकाला उसमें फिर आपका जो फेज था, जैसे जब ज्वाइन किया था क्लास, उसके बाद से कैसे स्ट्रैटेजी थी आपकी मेनली पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए, उसको डिस्कस करिए। तो अभी अभी मेरा करेंट गोल तो है जॉब हंटिंग, क्योंकि अभी करेंटली मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद इवेंचुअली पीएचडी में तो मुझे जाना ही है, बट नॉट लाइक एकदम इमीडिएट, अभी नहीं जाना है। अभी रिसेंट अभी तो मुझे थोड़ा सा जॉब करना है, उसके बाद मुझे इवेंचुअली पीएचडी में एनरोल करना है खुद को, क्योंकि पीएचडी के लिए भी काफी प्रिपरेशन लगेगी, रिसर्च प्रपोजल एक्सेट्रा, तो उसमें भी काफी टाइम देना पड़ेगा अच्छे से पूरा डेडिकेट होके। तो फिलहाल वो भी करना है, पर अभी इमीडिएट गोल वो नहीं है। तो और जब आप जेआरएफ हुआ था तो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो आप मेनली रिसर्च में जाना चाहती हैं। जी, टीचिंग हाँ, तो हमेशा से फिर मेरा फेवरेट रहा है, और टीचिंग ऐसा है जो मैं मुझे पता है कि मैं हमेशा से कंफर्टेबली कर लूंगी, मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे अच्छी लगती है टीचिंग। अच्छा, वेरी गुड। टीचिंग बहुत अच्छी जॉब है, सबसे बेस्ट तो टीचिंग ही जॉब है मेरे अकॉर्डिंग, कि अगर आप एक भी बच्चे को ठीक से टीच कर लेते हैं प्रॉपरली, और एक बच्चा आपके गाइडेंस में अच्छा फ्यूचर बना लेता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने उसके करियर में, गुड करियर में कंट्रीब्यूट किया है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। तो आप अपना पेपर वन और पेपर टू का स्ट्रैटेजी बताइए, क्या क्या डिफिकल्टीज आई उसमें जब आप कर रही थी प्रिपरेशन, कैसे कैसे डाउट्स आते थे, होगा नहीं होगा, फिर कहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हुए, वो भी आप शेयर करिए, पूरी आप अपनी जर्नी शेयर करिए। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, ओके एंड ओके। ऑफ कोर्स ऑडियंस भी तो सुनेगी। तो स्टार्टिंग मैंने जब सिलेबस देखा नेट का, तो पेपर टू का तो मतलब पता था कि ये है, सब कुछ आता है रफली, बट पेपर वन का जब मैंने सिलेबस देखा तो आई वाज लाइक कि मैंने मतलब एनालाइज करा, आई ट्राई टू एनालाइज द सिलेबस फर्स्ट। तो मैंने जो पर्सनली करा, मैंने पेपर वन के सिलेबस को चंक्स में डिवाइड कर लिया था, लाइक जो सिमिलर यूनिट्स थी, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, तो इनका मैंने एक चंक बना लिया। और जो कॉम्प्रिहेंशन, डीआई एंड मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पार्ट था वो मैंने सेकंड चंक, और थर्ड चंक मेरा था यूनिट 8 9 10, आईसीटी, हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पर्सनली मैंने ये चंक्स में डिवाइड करके इसको कवर करने की कोशिश करी थी, और मैंने बहुत ज्यादा अलग अलग रिसोर्सेस पे मैं नहीं गई। लाइक एक चंक के लिए या एक यूनिट के लिए मैं सिर्फ एक ही एजुकेटर की वीडियोज या कॉन्टेंट फॉलो करती थी यूट्यूब पे। तो ऐसा भी नहीं कि मैंने एक ही एजुकेटर को ब्लाइंडली फॉलो किया है, मैंने डिफरेंट एजुकेटर्स फॉलो करे हैं, बट एक चंक या एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए मैंने एक ही एजुकेटर को फॉलो किया है, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था मैं 1000 जगह से पढ़ूंगी तो फिर मुझे कंफ्यूजन होगा, हाँ, ये तो आपने मैंने ऐसे बेस्ट किया। किया और अच्छा किया कि यू फॉलोड ओनली वन रिसोर्स, क्योंकि जब हम बहुत सारे रिसोर्सेस के पीछे जाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला तो हमारा टाइम वेस्ट होता है, और जब भी हम किसी टीचर के साथ पढ़ते हैं तो एकोमोडेट होने में टाइम लगता है, लैंग्वेज समझने में, उनका वे ऑफ स्टाइल, क्योंकि सबका वे ऑफ स्टाइल अलग होता है। फिर अगर हम बार बार अपना वो रिसोर्सेस चेंज करेंगे, पैटर्न चेंज होगा, नोट्स चेंज होगा, तो उससे हमें एकोमोडेट भी तो करना होता है। तो ये आपका बेस्ट स्ट्रेटेजी थी कि यू स्टिक विथ वन रिसोर्स, चाहे यूनिट वाइज हो चाहे आप पूरे कोर्स के लिए, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये बेस्ट थी। और फिर आपने क्या किया उसके बाद? तो फिर मैम
उसके बाद पेपर टू के लिए तो आप थी ही, उससे बहुत ज्यादा डायरेक्शन मिल गया। लाइक मैंने डिफरेंस देखा, जब मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही थी और मैं जब नेट का पेपर टू का सिलेबस देखती थी तो मुझे बहुत होता था कि ये इतना सारा है, मैं कैसे कहाँ से पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ, कुछ चीजें आती हैं कुछ बिल्कुल नहीं आती हैं, तो ऐसे था। बट जब आपकी क्लासेस ज्वाइन करी तो एक क्लैरिटी मिल गई थी, लाइक एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल गया था कि ओके इस डायरेक्शन में जाना है ऐसे जाना है। तो मेरी बिल्कुल जर्नी में वो डायरेक्शन सब बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर वो डायरेक्शन मुझे नहीं मिलता तो भले मैं पर्सनल लेवल पे हार्ड वर्क ज्यादा करती, बट आई डोंट थिंक मुझे ये रिजल्ट्स मिल पाते, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपकी क्लासेस ज्वाइन करके मुझे एक डायरेक्शन मिल गया जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल मेरे लिए प्रूव हुआ। तो हाँ, ये लोग रहा था। मेनली आपका जो कोचिंग या ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस शेड्यूल के साथ आप बन जाते हैं, जो बेस्ट एडवांटेज होता है। सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उस शेड्यूल आप फॉलो नहीं करते, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये मैंने क्लास में भी बताया था कि आपके सेल्फ स्टडी है, 9 बजे नहीं उठ पाए, चलो 10 बजे उठ गए, 10 बजे नहीं उठे तो 11 बजे उठ गए, कोई आ गया घर पे, कहीं जाना है, तो सारी चीजें हम फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो हमारे सारे टाइम उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हो जाते हैं, हम कंसिस्टेंट हो जाते हैं, फिर वहां पे बने बनाए रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आपको इधर उधर ज्यादा करना नहीं पड़ता है। तो ये भी आपका बेस्ट था कि आपने मतलब एक गाइडेंस अपना कर लिया यूज। सेल्फ स्टडी करते तो सेल्फ स्टडी में भी लोगों का होता है, लेकिन वो जो लोग होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं अपनी टाइमिंग, अपने शेड्यूल के साथ। वो 1% लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और अपने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस वो लगाते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। तो क्या क्या आपकी डिफिकल्टीज आई अपने जो डे टू डे लाइफ के, जो स्ट्रगल थे, फिर पढ़ने में जो डिफिकल्टीज थी उसका बताइए, आप कैसे आपने मैनेज किया सारी चीजें, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैम तो डिफिकल्टीज भी काफी आई। सबसे पहली तो थी टाइम मैनेजमेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, स्पेशली पेपर वन और पेपर टू। जब पेपर टू पढ़ने लगती थी तो फिर उसी में चली जाती थी, फिर पेपर वन के लिए टाइम नहीं मिलता था। अगर पेपर वन स्टार्ट कर दिया तो फिर उस वही यूनिट, अरे इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है कैसे कवर करूँ अभी, तो उसमें टाइम कैसे चला जाता था पता नहीं चलता था। तो देन आई स्टॉप्ड, मेरी एक आदत है मतलब मैं शुरू से ही कि अपने आप को बहुत ज्यादा मॉनिटर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ कितना हुआ है, और आई यूज टू प्लान माई डे। तो मैं हमेशा अपना डे सुबह उठ के सबसे पहले प्लान करती थी, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहती थी बट स्टिल मैं एक 4-5 पॉइंटर्स की बनाती थी कि मुझे आज अपनी पढ़ाई में इतना 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 करना है, वो कितने बजे से कितने बजे तक है वो नहीं बनाती थी क्योंकि वो फिर शेड्यूल के हिसाब से इतना हो नहीं पाता है। तो आई ट्राइड कि मैं रियलिस्टिक अपनी गोल्स बनाऊं, और मैं वीकली गोल्स बनाती थी और फिर उस वीकली गोल्स को अपने डेली 6 डेज या 5 डेज जितना भी मैं पढ़ रही हूँ, कभी कभी 7 डेज हो जाता था बट उसमें भी मैं बीच में ब्रेक ले लेती थी, तो मैं उस वीकली गोल्स को फिर डिवाइड करती थी अपने एवरीडे गोल्स में। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट को की डिफिकल्टी जो आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए आई ट्राइड दिस एंड दिस प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल। तो जब मैं टिक करती थी अपनी टू डू लिस्ट से डेली तो इट यूज टू गिव मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि ओके आई एम बीइंग प्रोडक्टिव, मैं कर रही हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आती थी। सेकेंड इशू मेरा जो था वो मैं बहुत ज्यादा एंशियस होती थी, मैं आपसे डिस्कस भी करती थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं भूल रही हूँ, तो यू यूज टू से कि हम सब भूलते हैं। तो शुरू में तो आई वॉज लाइक कि इन माई हेड, वेन यू यूज टू से कि अरे हम सब भूलते हैं, तो इन माई हेड आई वॉज लाइक मैम मैं ज्यादा भूलती हूँ मैं आपको कैसे बताऊं। बट आपने जो कहा था वो एकदम सही था क्योंकि जब मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करती थी रिवाइज करती थी तो इवेंचुअली वो सब हो जाता था रिकॉल। तो रिवाइज रिवीजन के साथ साथ और फिर प्रैक्टिस के साथ साथ वो सारी चीजें हो गई थी। शुरू में मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था बट फिर धीरे धीरे आपके मोटिवेशन ने काफी हेल्प करा था, बहुत ज्यादा। लाइक द वे यू हाँ, यूज टू मोटिवेट वो मेरी एंगजाइटी कम कर देती थी एंड आई यूज टू बी मोर प्रोडक्टिव, मैं अपनी एंगजाइटी को फिर प्रोडक्टिविटी में चैनलाइज कर देती थी। आई यूज टू लाइक फोकस मोर ऑन एक्टिंग एंड वर्किंग रादर देन जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, तो वो बहुत प्रोडक्टिव था। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शगुफ्ता, थैंक यू सो मच कि आपको मेरा जो गाइडेंस था वो यूजफुल लगा और उसको आप एक्नॉलेज भी कर रही हैं, थैंक यू सो मच, दैट इज सो हम्बल। और दूसरी चीज, आपने जो टाइम मैनेजमेंट में जो आपने
गोल सेट कर लिए थे ना कि इस वीक में इतना काम करना है, और एक तो वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कल मेरी स्ट्रेटेजी क्लास थी, उसमें मैंने बच्चों को यही बताया कि आप टाइम टेबल अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग बनाइए, दूसरा अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आप मॉर्निंग में उठिए, दोपहर में उठिए, ये करिए वो करिए, लेकिन आप अगर अपने जो भी वो बनाएंगे शेड्यूल को, अपनी जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अगर माइंड में रखकर बनाएंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा। जैसे मान लीजिए आपके कुछ पर्सनल काम भी थे आपने बताए थे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी आपने जो गोल सेट किए थे वीकली गोल उसको आप करती थी और फिर उसको क्रॉस चेक भी करती थी कि ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है या नहीं, तो वो आपके बेस्ट था। आई थिंक वो बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा किया कि टू डू लिस्ट बनाई और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो। दूसरी चीज है शगुप्ता, जो आपको कंफ्यूजन थी, जो आपको डर लगता था कि भूल रहे हैं, तो वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को होता है, और वो सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, और आप जैसे कि कहा था और जैसा आपने देखा भी, लाइव देखा भी, कि वो बहुत फ्रूटफुल रहा। तो एमसीक्यूज तो मस्ट है, जो भी हमारे ऑडियंस हैं जो कर रहे हैं प्रैक्टिस उनके लिए भी मस्ट है, और फिर हमारा रिवीजन तो है ही। तो आप जो अभी और लोग देख रहे हैं, जो अभी जाने जो जून में अपियर होने जा रहे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे, शॉर्ट एंड क्विक क्या मैसेज देंगे कि वो क्या फॉलो करें कि उनका जून में क्लियर हो जाए? तो मैम उनके लिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि फोकस ऑन रिवीजन, जैसे आप हमेशा बोलती थी, और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैंने खुद नहीं सोचा था ये जो मैं कर रही हूँ इसका ये इतना ज्यादा हेल्प करेगा। लाइक आई रिवाइज अ लॉट, तो मैं सजेशन भी यही दूंगी, बहुत ज्यादा रिवाइज करिए, अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाइए। एंड नेट का तो सिलेबस ऐसा है कि इफ यू प्रॉपरली एनालाइज द सिलेबस, हमें खुद ही समझ में आ जाता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें, उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करें, और लाइक वीकेंड, हर वीकेंड पे रिवीजन करें ही करें, बहुत लंबा ना छोड़ें वरना फिर हम भूलने लगते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन रिवीजन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, दैट्स इट। ये मोर देन इनफ हो जाएगा, ये जो टाइम बचा है इसके लिए। चलिए, आई होप जो सुनेंगे इसको वो उसको फॉलो भी करेंगे, और अगर उनका इस वीडियो से अगर किसी का निकल जाता है ये सजेशन फॉलो करके, वो कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि उन्होंने ये टिप्स को फॉलो किया और उनका निकल गया होपफुली। और शगुफ्ता, हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें, साइकोलॉजी की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में बहुत अच्छा करें। बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, ठीक है? और आप अच्छा करेंगी, आई नो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी सिंसियर, यू विल डू वेरी गुड, आई नो। ठीक है शगुप्ता, थैंक यू, आपने टाइम दिया हमारे इसमें टॉपर्स टॉक में आने के लिए। थैंक यू सो मच शगुप्ता, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।